Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अच्छा आम तौर पे ये समझा मैं कि जो नुकीले पत्ते वाली हैं वो लेट निकल दी हैं, चौड़े पत्ते वाली हैं पहले पानी हाथ दूसरे पानी तक निकल रहे हैं, ठीक है। जो नुकीले पत्ते वाले वो लेट तक निकल रहे हैं और चौड़े पत्ते विच सब तो परेशान कौन या सख्त जान जड़ी बूटी केड़ी है? पालक कंडा। पालक कंडा उस तो बाद चलो झरल तक ठीक है। चौड़े पत्ते विच पालक कंडा वन वेड़ी बटुआ दे पे वे उस दिवस सिंजेंटा को बेहतरीन दवा है अलाई मिक्स कहें दोस्त करें आजमाई हो की तो है जी सर कैसे रिजल्ट मिलते हैं? बेहतरीन मिलते पन कंडे ते बेहतरीन मिलते पन भैया और जिधर सां भाई यहाँ पन के जंगली बटू उस दिन कैसे रिजल्ट हो देते हैं सर? इस दिनों तुसा इस्तेमाल करो ये एक ऐसी दवा है जिहड़ी पहले मार्केट दे विच बरमाक्सनल तो काम गिंदे आ से इन्हें आके हटा दी क्योंकि बरमाक्सनल हुण भी सिंजेंटा कोल मौजूद है सारे नया सवेरे ते मौजूद है मगर जिस किस्म दी हुण जड़ी बूटियां आ गई उत्थां अलाई मिक्स ही काम करे भी कोई दवाई काम नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि इतनी सख्त जान जड़ी बूटियां आई हैं ऐसी किस्म दी जो पालक कंडा है ये तले जड़ बनावेंदे मूली वाली काम के आम स्प्रे बुरमोक्सल वगैरह करन नाल पत्रे सड़ वेंदे मगर तले गिर बची ए उंदे से रिजल्ट अगर भैया इन मुकाबले करे सो बुरमोक्सल वगैरह तो उंदा ए थिंदे कि सर गोली अंदर ते दम बह आज स्प्रे करो सवेरे वैसो ठीक है अगले पानी ते वला थियो मगर अलाइमेक्स का क्या फर्क है जिवें एक देसी दवा होंदे होम्योपैथिक दा स्लो स्लो मरे सी जड़ तो मरे सी जिम्मे ना भजन कितने जड़ रिजल्ट मिलते हैं भी बावी दिन तो बाद शुरू थी इसका स्प्रे करन नाल वधनों घट में या वधनी रहती है वधनों भी रोक में वधनों रोक में एक टेक्निकल पॉइंट है आम जाम भी याद है ना दोबारा जी जी फुट भी आवे तो दाना नहीं चाहिए फसी हो वो मैं तो कुछ सहना है सारी गाली बिल्कुल तुम्हारा बड़ा अच्छा फीडबैक है सर शुक्रिया सर अलाइमेक्स जो करेने हैं 24 घंटे के अंदर अंदर ये खुराक घिनण का अमल उनका बंद थी मगर जेड़ा उनका मुर्दा हालत है वो 22 दिहाड़ बाद रत्ता थी वना पीला थी वना वो तक 10 तो 12 दिहाड़ अमल शुरू थी वना यारी ना रंग तब्दील थी असल ये जी जड़ी बूटी है ये रेतले इलाके पालक कंडा पक्के इलाके घट है और अलाइमेक्स इन जड़ तो मारना होंगे जड़ तक वन वास्ते एक चाहिए होंगे वत्तर या पानी सारिया जमीन पानी फौरन पी वही अगर जी जमीन पानी आहिस्ता आहिस्ता पीनी है पक्के वाड़ जमीन है उतना रिजल्ट 15-16 दिहाड़ आवा शुरू इन वास्ते इन्हें तो कुछ एहतियात ज्यादा अच्छे रिजल्ट गिरने वास्ते ये कि पालक कंडा दू तो त्रै पत्ते पे हो स्प्रे करो और तर वत्ता भी स्प्रे करो अगला पानी जल्दी लो और भरा के ताकि जड़ चुनी और इंशाल्लाह सॉफ्ट हो इस साल भी तुसा इको करो भाई अपना नाम क्या है? इत्तला भाई नाल मेरी पहली मुलाकात है ठीक है तुम्हारे सामने मैं भी काश्तकारा का बाल हाँ इतना बंदा बह बंदे की गाल तो मुतमैन नहीं जितना हमसाए की गाल उत्ते नाल वाले काश्तकार की गाल तो मुतमैन सर क्योंकि उदा कोई ताल्लुक नहीं होता मुमकिन नहीं महकूँ चार टके बचते पे उस मेरा एक जाती फायदा उस तो मैं कंपनी की तरफा दी मगर इर्तजा भाई का कमीशन है भजन इं वास्ते पाया कि एक राह लीला मशवरा होंगे अच्छी पैदावार देने वास्ते अलाइमेक्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो और चौड़े पत्ते जान छोड़ो ये वन वेड़ी से भी अच्छे रिजल्ट देनी है
सरगोदे वाली साइड उत्ते वन वेड ही बहुत ज़्यादा थी। उत्थां प्रमोशनल को त्राय दफा इस्तेमाल किया। एक दफा थी सी वला पकड़ा सी वत क्रेसन वाज जले कड़क पक वेंदी उले भी निकली खड़ी होंदी दोबारा प्रमोशनल मार के कटाई करन। अल्हम्दुलिल्लाह उत्थां अलाइमिक्स ने आके सारे मसले। अगला मरला जिहड़ा होंदे ओह होंदे जोडल दा ते दुम सी। ओहदे वास्ते मैं सवेरा ते बेहतरीन दवा है हमेशा तो आज मुद्दा वो एक्सल। कैं दोस्त एक्सल इस्तेमाल की जी? सर सारे एक्सल कैसे है रिजल्ट? चलो एक्सल बेहतर है अलाइमेक्स को पहले करके ना एक्सल को गले पानी पे करें। ठीक है अगर इवें थी नहीं पे तो बेहतर है वरना एडू है टैंक मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते। ठीक है 330 ml एक्सल इस्तेमाल करो सोफी। 100 से 120 लीटर पानी हो कणक की उम्र 40 से 45 जड़े भी हो।